मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को पहले विजिट करें, और यदि आपको मेरी ड्रेसेस पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ये देखो, ये चोली मैंने बना ली है, ये 4 से 5 नंबर के ठाकुर जी की चोली है। ये बाजू के फंदे मैं थोड़ा ज़्यादा रखती हूँ ताकि ठाकुर जी को इजली आ सके। अब ये देखो, अब आगे हमें शुरू करनी है ड्रेस। तो 1 2 3 4 चार चेन बनाए। अब एक तो ये इस पे बनी हुई है, 1 2 3 3 पे बनाकर हम यहाँ पर इसको एडजस्ट कर देंगे ऐसे, ठीक है। और फिर ये जो नेक्स्ट है इसमें भी हम एक बारी एडजस्ट करेंगे। अब फिर वही 1 2 3 4 चार बना लिया, एक तो ये हो गया। अब इसमें देखो 1 2 3 तीसरे पे फिर हमें इसे सिंगल कर दिया, और फिर इससे जो इससे आगे है इसमें भी हमें ऐसे ही सिंगल करना है। अब फिर वही 1 2 3 4 चार फिर बनाए। अब 1 2 3 तीसरे पे हमें इसको एडजस्ट करना है, और फिर नंबर 4 पे भी हमें एडजस्ट करना है। अब फिर वही 1 2 3 4 चार बना लिया, 1 2 3 तीन पे फिर हमें इसको एडजस्ट करना है, और 4 पे फिर एडजस्ट करना है। ऐसे करके ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ऐसे करके ये पूरा राउंड हमें कंप्लीट करना है। ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमें क्या करना है, चेन बनानी है। 1 2 3 तीन चेन बनाई, धागा लिया, इसमें से फिर निकाल लिया, ये 2 बारी हो गया हमारा, ये 3 बार और ये 4 बारी। 4 बारी बनाने के बाद 1 2 3 और 4 चार चेन बनाई, इसको पलट लेंगे, और जो ये फर्स्ट है फर्स्ट चेन में हम इसको यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। ये एडजस्ट होने के बाद 1 2 3 तीन चेन बनाने के बाद फिर पलट लेंगे, और इसके अंदर हम फिर क्रोशिया करेंगे। ये 2 हो गए, एक ही चेन हो गई, एक ये हो गया 2, ये हो गया हमारा 3। 3 बनाने के बाद 1 2 3 तीन बनाया, और इस चेन में यहाँ पर हम इसको स्टिच कर देंगे ऐसे कुछ, ठीक है। अब फिर 3 चेन, 1 2 3 तीन बनाई, धागा लिया, और फिर इसमें 2 बारी, ये हो गया 3 बार। 1 2 3 तीन बनने के बाद ऊपर एक चेन बनाएंगे, ये 3 चेन हमें बना ली, और यहाँ पर हम इसको एडजस्ट कर देंगे। फिर 1 2 3 फिर चेन बनाई, धागा लिया, और फिर हमें यहाँ पर 2 बारी, ये 3 बारी। 3 बारी क्रोशिया करने के बाद 1 2 3 तीसरी के ऊपर हमें फिर करा, और यहाँ पर हम इसको एडजस्ट कर देंगे। ये कुछ हमारा इस तरह से बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब हमें चेन बनानी है, 1 2 3 तीन चेन बनाई, और जो ये हमने बनाया था ये इसमें हम इसको एडजस्ट कर देंगे, ये कुछ इस तरह से हो जाएगी। फिर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 तीन चेन बनाई, धागा लिया, और जो ये है इसके अंदर फिर हमें वही 1 बारी, 2 बार नहीं सॉरी, फिर हमें क्या करना है, यहाँ पर नीचे इसमें यहाँ एडजस्ट कर देंगे हम, हाँ यहाँ एडजस्ट कर देंगे, और चेन बनाएंगे, 1 2 3 तीन बारी बनाई, धागा लिया, और इसी के अंदर हमें 2 बारी बनाया, फिर ये 3 बारी और ये 4 बारी। 4 बारी बनाने के बाद 1 2 3 तीन दिया, और इसको हम पलट लेंगे, पलटने के बाद यहाँ पर हम इसको एडजस्ट कर देंगे,
ये कुछ इस तरह हो जाएगा। और इसी के ऊपर हम तीन चेन बनाएंगे, एक दो तीन, जो पलटने के बाद ही बनानी है। और फिर हम इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद फिर इसी के अंदर हमें फिर चेन बनानी है दो बारी और ये तीन बारी। ये देखिए एक चेन तो ये हमने बना ली, एक ये बनाया, एक ये बनाया, अब तीन हो गई। तीन बनाने के बाद एक दो तीन, तीन बनाई और इसी के अंदर यहाँ पर हम इसको एडजस्ट कर देंगे। और फिर एक दो तीन, फिर धागा लिया और इसके अंदर फिर ये हो गया एक बारी, ये दो बार और ये नहीं सॉरी तीन बारी हो गया ना, एक दो तीन, तीन हो गया। तीसरी के ऊपर हमें एक दो तीन, तीन चेन बनाए और यहाँ पर हम इसको एडजस्ट कर देंगे। फिर एक दो तीन, तीन बनाया, धागा लिया और इसके अंदर फिर वही एक बार दो बारी हो गया और ये तीन बारी हो गया। एक तो चेन हो गई, एक दो ये हो गए, अब तीन फिर चेन बनाएंगे। तीन चेन बनाने के बाद फिर हम इसमें यहाँ एडजस्ट कर देंगे। और फिर एक दो तीन, ये देखिए ये कुछ हमारा इस तरह से हो जाएगा। ये होने के बाद हमें फिर जो ये हमने बनाया था, एक में एक इसमें निकाला था सिंगल, एक इसमें, और यहाँ पर हम इसको एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, एडजस्ट करने के बाद एक दो तीन, तीन बनाई, तीन बनाने के बाद हमें क्या करना है, अरे सॉरी, देखिए ये दूसरा हमने यहाँ पर, फिर हमें चार बारी बनाना है, एक दो तीन और ये चार। इस चेन में हमने चार बारी बना लिया। चार बारी बनाने के बाद जो हमने चार बने हैं, जब जो नंबर चार पे चेन है इसके ऊपर एक दो तीन और चार, चार बना के इसको हम पलट लेंगे। पलटने के बाद इसके ऊपर यहाँ पर हम इसको एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करने के बाद एक दो तीन, तीन बनाया, फिर हम इसको पलट लेंगे। पलटने के बाद हमें फिर धागा लेना है और इसी चेन में हमें दो बारी बनाना है। एक तो चेन हो गई, एक ये हो गया दो और ये हो गया तीन। तीन बनाने के बाद एक दो तीन, तीन बनाया और यहाँ पर हम इसको एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, एक दो तीन, तीन फिर बनाया, धागा लिया और इसके अंदर से फिर हमें दो तीन, तीन बारी हो गया, एक दो तीन, तीन बारी बनाया और इसके अंदर से हम इसको एडजस्ट कर देंगे। दो हो गया, एक दो तीन, फिर तीन बनाया, धागा लिया इसके अंदर से, यानी हमें ये तीन तीन पत्ती बनानी है। ये हो गया हमारा दो, तीन बारी, एक दो तीन, तीन बनाने के बाद एक दो तीन, तीन बनाया और इसके अंदर से फिर हम इसको एडजस्ट कर देंगे। एक दो तीन, ये पत्ती हमारी कुछ इस तरह से हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए ये हमारी कुछ इस तरह से हो जाएंगी। अब इसके बाद हमें क्या करना है, फिर यहाँ पर जो ये है इसके अंदर हम इसको एडजस्ट कर देंगे। और फिर एक दो तीन बनाया, धागा लिया और यहाँ पर से हम जो ये नेक्स्ट चेन है ये वाली, इसमें से हमें फिर वही चार बारी बनाना है, एक दो तीन और ये चार। ठीक है, चार बारी हो गया हमारा ये। अब चार बारी बनने के बाद इसके ऊपर चेन बनाएंगे, एक दो तीन चार, चार बारी चेन बनाई, इसको पलट लिया। पलटने के बाद यहाँ पर जो फर्स्ट है, ये देखिए फर्स्ट है, ये नंबर फर्स्ट वाले पे यहाँ पर हम इसको एडजस्ट कर देंगे। ऐसे एडजस्ट करने के बाद एक दो तीन, तीन चेन बनाई, इसको वापस पलट लेंगे।
धागा लिया, एक चेन तो हमारी ये हो गई। अब इसके अलावा हमें दो और बनाने हैं, ये एक हो गया और ये हमारा दो, टोटल हमारे ये तीन हो गए, एक दो तीन। तीन बनाने के बाद एक दो तीन, तीन बनाए और इसके अंदर यहाँ एडजस्ट कर दिया, ठीक है। अब फिर वही एक दो तीन, तीन बनाया इसके अंदर, सॉरी, तीन बनाने के बाद धागा लिया और फिर वही ये हो गया, तीन हो गए, एक दो तीन, तीन बनाया और यहाँ पर हमें इसको एडजस्ट कर देंगे, फिर वही एक दो तीन, ऐसे करके पूरा राउंड हमें कंप्लीट करना है। दो हो गए, ये तीन हो गए, तीन होने के बाद एक दो तीन और फिर यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे इसको, एडजस्ट करने के बाद एक दो तीन, ये देखिए ये हमारा कुछ इस तरह से हो जाएंगे, ये देखो, ठीक है। ऐसे करके पूरा राउंड हमें कंप्लीट करना है, ये हो गया। और फिर हमें इसके अंदर यहाँ पर जो ये चेन बनाई थी, ये देखिए गैप है ना, एक इसमें सिंगल लिया था, एक इसमें, तो ये बीच में गैप आ गया, इसके अंदर इसको एडजस्ट कर देंगे। फिर वही एक दो तीन, तीन बनाने के बाद फिर वही चार बारी, ऐसे करके ये पूरा राउंड हमें कंप्लीट करना है, ठीक है। देखिए ये हमारा सारा कंप्लीट हो गया है। अब हमें क्या करना है, ये देखो, ये हमने यहाँ पर स्टिच कर दिया था, ये जो हमने तीन चेन बनाई थी, तीन चेन बनाने के बाद यहाँ पर हम इसको स्टिच कर देंगे। अब इसके बाद हम चेन बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच, पाँच चेन बनाई, पाँच चेन बनाने के बाद इसके पीछे से बनाने के बाद यहाँ पर इसमें, यहाँ पर हम इसको पीछे स्टिच कर देंगे, यहाँ पर जो फर्स्ट ये वे जो तीन चेन बनाई थी, हमें यहाँ पर इसको स्टिच कर देंगे, ठीक है। अब जो ये है, यहाँ पर हम इन दोनों के बीच में हम चार चेन बनाएंगे, एक दो तीन चार, चार चेन बनाई, सॉरी तीन, तीन चेन बनाई, तीन चेन बनाने के बाद हमें यहाँ पर जो ये है इसके अंदर हम इसको स्टिच कर देंगे, ठीक है। अब फिर वही एक दो तीन चार पाँच, पाँच चेन बनाई और जो ये है फर्स्ट, ये जो तीन है यहाँ पर हम इसको स्टिच कर देंगे ऐसे। अब फिर वही तीन, एक दो तीन, तीन चेन बनाई, यहाँ पर इसको स्टिच किया, फिर वही पाँच, एक दो तीन चार पाँच, पाँच बनाई, यहाँ पर जो तीसरा है यहाँ पर हम इसको स्टिच कर देंगे ऐसे, ठीक है। फिर वही तीन, एक दो तीन बनाई, यहाँ पर हम इसको स्टिच कर देंगे ऐसे करके, पीछे पाँच और यहाँ पर तीन, ऐसे करके पूरा राउंड हमें कंप्लीट करना है। ये देखिए ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, यहाँ पर जो ये चेन बनानी है, यहाँ पर तीन बनानी है, जो ये पीछे बनेगी ये पाँच बनेगी। ये देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया है, ये तीन बन गया। हाँ देखो, अब तीन बनाना है यहाँ पे, एक दो तीन, तीन बनाया और यहाँ पर हम इसको एडजस्ट कर देंगे ऐसे, ठीक है। और ऐसे करके बाकी को हम कट कर देंगे, ये देखिए ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब हमें इसमें रेड कलर की ऊन लगानी है, इसको हम निकाल लेते हैं। अब इसमें हमें रेड कलर की ऊन लगानी है, ये देखो यहाँ पर जो ये है, इस धागे को हम पीछे स्टिच कर देंगे कहीं,
ताकि ये ऐसे खड़ा ना रहे। ठीक है, ये देखो अब हमें यहाँ पर एक नोट लगा लेंगे, इसको यहाँ ले जाकर, और जो ये है यहाँ पर इन दोनों के बीच में यहाँ पर इसको हम बनाएंगे। ये हो गया, ये देखिए ये कुछ तो मैंने बना लिया है। अब यहाँ से बनाना के बताती हूँ। ये तीन चेन तो हमने, सॉरी यहाँ तक बनाते हैं। ये देखो ये तो जैसे हमने ये बनाया था ऐसे ही सेम ये बनाना है। मैं आगे बताऊँगी इसको कैसे बनाना है। अब ये देखो अब हमें यहाँ पर तीन चेन बनानी है, एक दो तीन। तीन चेन बनाने के बाद ये देखो ये हमारे पास ये एक तो ये चेन है जो हमने बनाई थी, और ये देखिए ये हमने चार बारी बना रखा है ना, एक दो तीन और चार, और इन चार के बीच में ये देखो दो इधर और दो इधर, हमें जो बीच है इसमें बनाना है। अब हमें क्या करना है, जो ये ऊपर की पत्तियां हैं इसको ऐसे पलट लेंगे, और देखो ये पीछे से दिखाई दिया, ये दिखाई दिया, इधर दिखाई दे रहा है ना, ये देखो ये दो और दो इधर, ये जो बीच है यहाँ पर उंगली रख लो तो ये बीच हमें दिखाई देगा। ये इस चेन को, ये चेन भी साथ लेनी हो, और बीच में इन दोनों के बीच में ये जो चार हैं ये इन दोनों के बीच में यहाँ पर, एक दो इधर हो गए दो इधर हो गए, तो ये बीच में है यहाँ पर हमें बनाना है। तो इसको यहाँ से लेके इसमें से ये निकाला एक बारी, और इसी में हमें हल्के हाथ से दो बारी बनाया, फिर एक दो तीन, तीन चेन बनाई। तीन चेन बनाने के बाद ये देखो ये बनने के बाद ये देखिए बीच में ऐसे ये रेड कलर की इसके बीच में वाइट कलर की टुकड़ आ जाएगी, जैसे हमारी इसमें आई हुई है ना, ये देखो अलग से अच्छा लग रहा है ना, ऐसे इसमें आ जाएगी। अब जो ये बीच में हमारी ये देखिए ये हमने जो चेन बनाई थी अब हमें इस पे बनाना है। ये तीन चेन हमने इधर बना ली थी, फिर यहाँ बीच में एडजस्ट कर लिया, फिर तीन चेन इधर बनाई, और अब यहाँ पर हमें जैसे हमने ये नीचे चार बनाए थे ऐसे ही ये चार बनानी है। एक हो गया, दो, ये तीन और ये चार, हो गए ना चार। ठीक है, जैसे हमने ये नीचे चार बनाए थे ऐसे ही ये चार हो गए। अब इसके चार बनाने के बाद इसी के ऊपर हमें चार बारी फिर बनाना है, एक दो तीन चार, चार चेन बना ली। चार चेन बाद बनाने के बाद इसको पलट लेंगे, पलटने के बाद जो फर्स्ट है ये फर्स्ट वाला रो, ये देखिए ऐसे ये दिखाई दिया, ये फर्स्ट रो। इस फर्स्ट रो में जैसे हमने यहाँ एडजस्ट किया था ऐसे ही हम इसमें यहाँ इसको एडजस्ट कर देंगे ऐसे। अब एक दो तीन, तीन बारी बनाया और इसको पलट लिया, पलटे के बाद ये देखिए एक तो ये चेन होगी, एक ये हो गई, दो हो गई। जैसे हमने ये वाइट वाली बनाई थी पत्तियाँ ये वाली, ऐसे ही ये बनानी, तीन हो गई। तीन के ऊपर फिर वही तीन चेन बनानी है, तीन चेन बनाई। तीन चेन बनाने के बाद यहाँ पर इसके नीचे साइड में एडजस्ट करना है, तो टोटल ये हमारी कितनी होगी, चार होगी। अब फिर वही तीन चेन, एक दो और तीन, तीन चेन बनाई, धागा लिया और इसके अंदर से फिर वही दो बारी, ये दो बारी हो गया और ये हो गया हमारा तीन बारी। तीन बारी बनाने के बाद फिर वही तीन चेन, एक दो तीन, तीन चेन बनाई। तीन चेन बनाने के बाद यहाँ पर हम इसको एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, अब फिर वही तीन, एक दो तीन, तीन चेन बनाई। तीन चेन बनाने के बाद हमें फिर वही धागा लिया और इसी के अंदर से जो हमने ये चार नीचे चेन बनाई थी इसी के अंदर एक ये हो गई, जो चेन बनाई थी एक ये हो गई, दो हो गई। अब ये हो गई हमारे पास तीन, तीन हो गई। तीन बनाने के बाद एक दो तीन, तीन बनाने के बाद यहाँ पर हम इसको एडजस्ट कर देंगे। ठीक है,
ये कुछ हमारा, जैसे ये हमारी ये बन गया था, ऐसे ही ये फूल बन गया, पत्तियाँ बन गई ना। अब फिर हमें क्या करना है, तीन चेन बनानी है। ये कंप्लीट होने के बाद तीन चेन, एक दो तीन, तीन चेन बनाए। तीन चेन बनाने के बाद ये देखिए, फिर वही ये हमारे दो हो गए, एक दो तीन चार है, चार ले लिया, एक दो तीन चार, चार हो गए। चार में ये दो इसको ऐसे पलट लेंगे इस फूल को, और दो इधर से दो इधर से, ध्यान देना है हमें, ये बीच में उंगली लगा लेंगे, अंगूठा लगाया तो हमारा ये आ गया। ये जो चेन है ये वाली, इसको और ये बीच, इसकी हमारी बीच कौन सी आई थी, ये वाली, ये इसको और इस चेन को हम बीच में एडजस्ट कर देंगे एक बारी, और फिर इसी के अंदर से हमें दोबारा, ठीक है, दो बार। अब एक दो तीन, तीन चेन बनाई, तीन चेन बनाने के तीन इधर बनेंगी, तीन इधर हो जाएंगी, और बीच में ये दो बारी हमें एडजस्ट करना है। और फिर वही चार चेन बनानी है, एक दो तीन, ये चार डबल क्रोशिया हमने कर लिया है। ये देखिए, ये भी बनने के बाद ये कुछ इस टाइप से हो जाएगा, देखो अच्छा लग रहा है ना। ये बीच में हमारी रेड कलर की बिंदी सी आ गई है, ये देखो, ठीक है। ऐसे करके ये पूरा राउंड हमें कंप्लीट करना है। अब ये देखिए चार फिर आ गई, चार बनाने के बाद जैसे हमने ये बनाई थी सेम वही प्रोसीजर है, तीन बारी ए सॉरी चार बारी, एक दो तीन चार, चार बारी बनाया, धागा पलट लिया, और इस पे फर्स्ट पे हमें यहाँ एडजस्ट कर दिया। फिर वही तीन बारी, एक दो तीन, तीन बारी बनाया, फिर इसको पलट लेंगे, और फिर वही दो बारी, ये हो गया हमारा तीन बारी, एक दो तीन, तीन बारी बनाया, फिर वही एडजस्ट करना, ठीक है। ये हमारा फिर वही कंप्लीट हो गया है, ये देखो जैसे हमने ये बनाया था सेम वही है, ऐसे ही इसको कंप्लीट करना है। फिर वहाँ पर आ गए हम, ये देखिए इसके ऊपर आ गए, इसके ऊपर आने के बाद देखो एक एक दो तीन चार, इन दो इधर छोड़ दिए, दो इधर, जो ये बीच का है इसमें लेना है हमें, यहाँ इसको फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद ये वाली चेन जो है, ये वाली भी, और ये बीच में हमें इसको लेके इसको एडजस्ट सिंगल करना है, एक और दो, दो बारी करिया, फिर वही एक दो तीन, तीन बारी बनाया और इस चेन पे आ गए। यहाँ पर फिर हमें वही करना है, एक बारी दो बारी तीन बार डबल क्रोशिया, और ये चार बारी, ये चार बारी हमने बना लिया है। चार बारी बनाने के बाद फिर वही तीन बारी बनाया, चार बारी बनाया, और जैसे हमने ये बनाया था सेम वैसे ही ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। बनने के बाद ये कुछ ऐसा हो जाएगा जो देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। ऐसे ही करके हमें सारा ऐसे ही कंप्लीट करना है। देखिए ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया, ये तीन हमने चेन बनाई है। तीन चेन बनाने के बाद यहाँ नंबर फोर्थ लाइन पे जो है, यहाँ पर हम इसको इस पर एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। एडजस्ट करने के बाद फिर हम इसको कट कर लेंगे, और इसको हम पीछे कहीं ऐसे करके एडजस्ट कर देंगे कहीं भी, ठीक है। ये कुछ हमारी सारी बनकर इस तरह से हो जाएगी जो देखने में बहुत सुंदर लग रही है, ये देखो। अब इसके बाद हमें क्या करना है, वाइट कलर का धागा लेना है, ऊन लेनी है सॉरी। देखिए ये हमारा कंप्लीट है। अब हमें जैसे ये धागा लिया, इसको पलटा, ये हमने एक लूप बना लिया। जैसे हमने यहाँ पर ये जो चार चेन बनाई थी, इसके पीछे पांच चेन बनाई थी, सेम वही प्रोसीजर है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ऐसे ही यहाँ पर जो
ये देखिए यहाँ पर हमें इसको एडजस्ट करना है। यहाँ पर हम इसको एडजस्ट करेंगे ऐसे ही, ये हो गया ठीक है। अब वही पांच चेन बनानी है, इसके जो पीछे बनेंगी वो पांच चेन बनेंगी ठीक है। ये देखिए ये हमने यहाँ एडजस्ट किया है। अब हम इसको ऐसे एडजस्ट करेंगे और यहाँ पर ये देखिए ये जो चेन है इस चेन के अंदर एडजस्ट कर देंगे। ठीक है एक बारी और कर लेते हैं, थोड़ा टाइट हो जाएगा ये ठीक है। अब हमें वही एक दो तीन चार बना लिए। चार बनाने के बाद यहाँ पर ये दूसरी चेन है ना, एक इधर बनाई थी एक इधर बनाई थी, ये देखिए एक ये थी एक ये थी। अब हमें यहाँ पर इसको एडजस्ट कर देना है ठीक है। ये देखो ये वी शेप सा बन जाएगा। अब फिर वही एक दो तीन चार पाँच, पाँच बनाई। पाँच बनाने के बाद यहाँ पर ये इसको फोल्ड कर देंगे। ये देखिए ये जो है इसको यहाँ पीछे से लेके जो ये दो चेन थी ये वाली ये दिखाई दी ना, ये देखो इसमें यहाँ पर हम इसको एडजस्ट कर देंगे। अब फिर वही एक दो तीन चार, चार बनाई। ये देखिए ये जो एक दो तीन इधर थी तीन इधर थी, तो इस तीन वाले पे यहाँ पर एडजस्ट कर देना है। यहाँ पर हमें जहाँ पर यहाँ एडजस्ट किया हुआ है यहाँ पर हमें चार बनानी है, इसके पीछे हमें पांच बनानी है। एक दो तीन चार पांच, पांच बनाई। पांच बनाने के बाद फिर यहाँ पर इस चेन पे ये जो तीन तीन बना रखी थी हमने इस पे यहाँ पर एडजस्ट कर दिया। फिर वही चार, एक दो तीन चार, चार बनाई फिर यहाँ पर, और इसके जो ये जो हमने फूल सा बनाया है इसके ऊपर पीछे हमें पांच बारी करना है, ऐसे करके पूरा राउंड कंप्लीट करना है। देखिए ये हमारा इतना कंप्लीट हो गया है। और जो ये हमने चेन बनाई थी यहाँ पर, ये देखिए ये चेन हमने यहाँ पर लाके इसमें यहाँ एडजस्ट कर देनी है ठीक है। जो ये चेन है इसमें हमें इसको एडजस्ट करना है ठीक। अब देखो देखिए जैसे हमने ये फूल बनाए थे ना, ये वाले सॉरी लीव्स बनाई थी हमने ये वाले, तो ऐसे ही अब हमें इस पर बनानी है जो ये बीच है ठीक है। यहाँ पर हमें ये यहाँ हमने इसको स्टिच कर दिया और फिर एक बार ये स्टिच करेंगे हम ठीक है। स्टिच करने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पर बनाना है फूल, बना इसके ऊपर हमें फूल बनाना है। एक दो तीन, देखिए ये हमने फिर ये तीन बारी बनाया, ये चेन बनाई ऐसे, जैसे हमने ये चार बारी बनाई थी ऐसे ही नीचे हमें चार बारी बनाना है। ये दो हो गया, दो इसी के अंदर ये तीन और ये हमारा चार बारी, ये तो टोटल हमारा इसको बीच में कर लेते हैं चार हो गया। एक दो तीन चार, चार हो गया। चार बनने के बाद इसी के ऊपर हमें दो तीन चार, चार चेन बनाई और इसको हम पलट लेंगे और ये जो फर्स्ट चेन है इसके अंदर है इसको हम एडजस्ट कर देंगे ठीक है। अब इसको वापस पलट लेंगे, एक दो तीन, तीन बनाया धागा लिया और इसी के अंदर फिर हमें तीन बारी बनाना है। एक हो गया, दो हो गया और ये तीन हो गया। तीन बनने के बाद एक दो तीन, तीन बनाया और इसी के अंदर हम इसको एडजस्ट कर देंगे। ये हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा।
ये देखिए ये हमारा हो गया यहाँ पर। अब हमें फिर वही ऐसे ही एक दो तीन चेन बनाई, धागा लिया और इसी के अंदर से दो बारी तीन बारी, तीन बारी हो गया, एक दो तीन बारी बनाया और इसी के अंदर वापस इसमें निकाल लिया। अब एक दो तीन, तीन बारी फिर बनाया, तीन बारी बनाने के बाद दो तीन, तीन हो गया, एक दो तीन, तीन बनाने के बाद इसी में फिर वापस इसको निकाल दिया। जैसे हमने इस जैसे ये बनाए थे ऐसे ही बनाने हैं। अब फिर वही तीन चेन बनाने, एक दो तीन, तीन चेन बनाने के बाद ये देखिए फिर हम यहाँ पर आ गए। इसमें भी हमारे चार हैं, एक दो तीन चार, चार बनाने के लिए यहाँ से निकाला और इसके बीच में दो इधर छोड़ दो, दो इधर छोड़ दो, तो बीच में से इसको निकाल के और जो ये पीछे चेन है, ये जो चेन बनाई थी हमने पांच वाली, इसको एडजस्ट कर लेंगे। हल्के हाथ से ज़्यादा खींचना नहीं है, एक हो गया और इसी के अंदर फिर दूसरी बार हो गया। दो बारी होने के बाद एक दो तीन, तीन चेन बनाई और फिर वापस हमें धागा लेके इसमें फिर वही बना लेना है। एक बारी दो बारी तीन और चार, जैसे हमने पहले बनाए थे सेम। ये देखिए ये इसके अंदर से, ये देखो ये रेड, इसमें वाइट कलर का आ गया और इसमें रेड कलर का, ऐसे करके ये सेम प्रोसीजर है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। यहाँ आ गया, अब ऐसे ही जैसे हमने ये बनाया था सेम वही यहाँ बनाना है। और फिर ये वाला जो बीच में हमने ये दिए थे, इसमें फिर ये दो के चेन है, एक दो दो, इन दोनों को छोड़ के ये दो लेके और जो ये पीछे चेन है, ये देखिए ये जो चेन है ये दो का, यहाँ से इस चेन को लेते हुए एडजस्ट करना है। ये देखो ये हो गया। अब फिर वही एक दो तीन चार, चार बनाया, फिर वैसे ही यहाँ पर फिर हम इसने यहाँ एडजस्ट कर देंगे। अब एक दो तीन, तीन बनाया, फिर वापस घुमाएंगे इसको, पलट लेंगे और फिर वही तीन बारी बनाएंगे, एक एक चेन हो गई, ठीक है। अब ये तीन बना लिया हमें, इसके ऊपर फिर वही तीन, एक दो तीन, तीन चेन बनाई और यहाँ पर यहाँ एडजस्ट कर देंगे। फिर वही तीन बनाया हमने, तीन बनाने के बाद फिर वहाँ पर यहाँ पर दो बारी बनाना है हमें, एक हो गया दो तीन हो गया, एक दो तीन, तीन बनाने के बाद फिर हमें यहाँ एडजस्ट कर देना। अब एक दो तीन हो गया, फिर वही दो बारी तीन बारी बनाना है। ये हो गया तीन हमारी, तीन चेन हो गई, एक दो तीन, तीन क्रोशिया होने के बाद यहाँ पर फिर वही एडजस्ट कर देना। ये टोटल हमारा चार हो गया, ये देखिए इस तरह से। इस तरह से होने के बाद हमें क्या करना है, फिर वही हमें तीन चेन बनानी है, एक दो तीन, तीन चेन बनाने के बाद यहाँ पर फिर आ गया हम, देखिए दिखाई दिया, एक अलग से देखो दिखाई दिया, चार, एक दो तीन चार, चार हो गए। चार होने के बाद यहाँ से डालेंगे पीछे से डाल के और ये दो इधर छोड़ दिए, दो इधर, जैसे ये है ना, दो इधर छोड़ दिए दो इधर, ये तो हमने बीच में बना लिया इन दोनों के, तो ऐसे ही इसमें ये रेड कलर है, थोड़ा दिखाई देने में थोड़ी दिक्कत आएगी। और यहाँ से लेके ये पीछे ये वाली चैन लेते हुए इसको हम एडजस्ट कर देंगे एक बारी और फिर इसी के अंदर दो बारी। दो बारी करने के बाद फिर वही एक दो तीन, तीन बारी बनाया, तीन बारी बनाने के बाद फिर वही इसके अंदर चार बारी बनाना है, एक दो तीन चार, ऐसे करके पूरा राउंड हमें कंप्लीट करना है। ये देखिए ये होल है, इसके अंदर से वाइट दिखाई दे रहा है और वाइट वाले में से हमें रेड दिखाई दे रहा है। ये देखिए ये बनने के बाद बहुत सुंदर लगेगी ड्रेस।
कुछ इस तरह से हो जाएगी। ऐसे करके पूरा राउंड हमें कंप्लीट करना है। ऐसे ही जितना भी आप बड़ा बनाना चाहो उतना ही बड़े, जितने भी आप ये घेरा बनाना चाहते हो। तो जैसे मैंने अब एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, ये दो हो गया, सॉरी एक दो तीन, हमने तीन बनाए हैं और चार। जैसे अब ये वाइट का है, इसके बाद रेड आ जाएगी, रेड के ऊपर फिर वाइट आ जाएगी। ऐसे करके पूरा राउंड हमें कंप्लीट करना है, ठीक है। राधे राधे, जय श्री श्याम। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए ठाकुर जी की कुछ सुंदर सी ड्रेस लेके आई हूँ। ये देखिए, ये ड्रेस कुछ ऐसी है जो देखने में बहुत सुंदर लग रही है और बहुत ईजी है बनाने में। जो मैंने ये इसके चक्कर बनाए हैं, ये एक दो तीन चार पाँच और छः, मैंने ये छः बनाए हैं। जितना आपको बड़ा घेरा चाहिए आप उतना बड़ा घेरा बना सकते हैं। और जो ये ड्रेस है, ये पाँच नंबर की ठाकुर जी की ड्रेस है। ये देखिए,